हाल ही में दलाई लामा के द्वारा बच्चे को किस करने का मामला ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसके पीछे सदियों से दलाई लामाओं को कलंकित करने वाले ड्रैगन की वो मंशा है जिनके उत्तराधिकार को लेकर चीन हमेशा से पीछे पड़ा रहता है। इतिहास के पन्नों को जब आप पलट कर देखने की कोशिश करेंगे तो चीन तिब्बत के रहने वाले तिब्बतियों और उनके ईश्वर स्वरूप दलाई लामाओं का हमेशा से विरोध करता हुआ मिलेगा, चाहे वो तिब्बतियों के उत्तराधिकार छोड़ने का फैसला हो या उनकी संस्कृति से जुड़े हुए कुछ काम। इसी कड़ी में ड्रैगन एक बार फिर से तिब्बत की संस्कृति को कलंकित करता हुआ दिख रहा है। इसके लिए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के सार्वजनिक मंच से एक बच्चे का किस लेने वाला वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म गुरु को बच्चे के होठों पर चुम्बन के साथ जीभ निकालते हुए देखा जा सकता है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए भारत में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने एक शीर्ष नेता ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा, हाल ही में वायरल हुई वीडियो से तिब्बती लोग आहत हैं। इसके पीछे चीन का समर्थन करने वाले लोग हैं जो आध्यात्मिक नेता को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीटीए नेता सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने ये आरोप भी लगाया कि चीन तिब्बत पर सख्ती से शासन कर रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैधता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक नेता सिक्योंग ने चीन और तिब्बत के मुद्दे पर बात करते हुए दलाई लामा के उस वीडियो पर भी बात की जिसमें उन्हें एक बच्चे को किस करते हुए देखा गया था। इस मुद्दे पर दर्शकों से सवाल करते हुए सीटीए नेता ने कहा, दलाई लामा ने एक दादा की तरह प्यार व्यक्त करते हुए उस बच्चे को किस किया था जिसे लोगों ने गलत ले लिया, लेकिन इसमें सबसे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लोग इस तरह के बौद्ध धर्म गुरु पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में न लड़के ने शिकायत की और न ही उसकी माँ ने, फिर जानबूझकर इस मामले की भड़काने की कोशिश की जा रही है। अपनी वार्ता के दौरान सीएटीए के नेता ने यह साफ करते हुए कहा कि इस मामले की जांच की गई है तो शुरुआत में ही इसके में भड़काने वाले चीन समर्थक स्रोत मिले हैं। इस वायरल वीडियो के पीछे ड्रैगन की मंशा क्या थी, इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं दलाई लामा की छवि, प्रतिष्ठा और विरासत को खराब करने से किसे लाभ होगा। आपको बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का सार्वजनिक मंच से एक छोटे बच्चे को किस करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था। इसको लेकर सोशल मीडिया के साथ अन्य धर्म के लोगों के बीच भी तरह तरह की धारणा बननी शुरू हो गई थी। इसके बाद दलाई लामा की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर इस मामले पर सफाई देते हुए माफी मांगी गई। दलाई लामा के कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे को दलाई लामा से गले लगने का अनुरोध करते देखा जा सकता है। इस मामले में धर्मगुरु अपने बयान से हुई हानि को लेकर बच्चे और उसके परिवार के साथ दुनिया भर में उसके सभी दोस्तों से माफी मांगना चाहते हैं। इस वीडियो के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दलाई लामा कई बार सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने मिलने वालों की मासूमियत को छेड़ते हैं, हालांकि वे इस घटना पर खेद जताते हैं। बहरहाल दलाई लामा की तरफ से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भले ही माफी मांग ली गई हो, लेकिन सदियों से बौद्ध धर्म गुरुओं के पीछे पड़ा चीन इस मुद्दे पर चैन से बैठता हुआ नहीं दिख रहा। अब आगे देखना होगा कि दुनिया में अपनी साम्राज्यवाद नीति की काली छाप छोड़ने वाला चीन इस मुद्दे को कहां तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।